और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फलां केस से फलां शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे, ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं, इन्हें अपने जाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें, आप उनका इस्तीफा कबूल करें, जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें।